हेलो गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स तो बेटा हमेशा की तरह सबसे पहले आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ कि सी बी एस ई क्लास ट्वेल्थ टर्म वन का रिज़ल्ट आ चुका है रिलीज हो चुका है ठीक है इसकी जो की हाईलाइट्स है मैं आपको बता दूं जो इसका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है क्लियर है और रिज़ल्ट अवेलेबल आपके स्कूलों में मिलेगा यानी कि जो स्कूल की वेबसाइट पे दिया गया है यानी प्रिंसिपल्स को तो रिज़ल्ट को केवल आपके प्रिंसिपल्स या आपके टीचर्स एक्सेस कर सकते हैं ठीक है जो काफ़ी समय से अटकले लग रही थी कि भाई हम रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा तो फाइनली सी ने रिज़ल्ट अपना डिक्लेयर कर दिया है क्लियर है ओके अच्छा इसमें एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि भाई ऐसा सी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है कि भाई इसमें बैन है कि सी का रिज़ल्ट बच्चों को हम शेयर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट बिल्कुल शेयर किया जाएगा अच्छा मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ पर सी ने खास बोला है कि जो ये है इसको रिज़ल्ट नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे इसको हम है ये है आपका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दिया गया है क्योंकि जो रिज़ल्ट बनेगा वो फाइनल आपका टर्म वन टर्म टू और जो आपके प्रैक्टिकल्स के इंटरनल के जो मार्क्स होंगे ये सारे वेटेज जुड़ के तब फाइनल रिजल्ट बनेगा क्लियर है तो यानी कि साफ़ सी बोलती है हैंस सीबीएसई बी इज़ सिंपलीफाइड रेफरिंग टू दीज मार्क्स एज अ परफॉर्मेंस सो दैट स्कूल कैन हैव एन आइडिया ऑफ हाउ दे आर स्टूडेंट हैव फार्ट यानी कि जो बच्चों ने पर्टिकुलर जो सीनारी जो फटा का जो टेस्ट था उसमें किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है ये रिजल्ट नहीं है मेरी बात को फिर दोबारा सुने आप रिजल्ट इसको इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि रि सीबीएस साफ जानता है कि कई बच्चे एम में कन्फ्यूज़ रहे तो एम में उनका रिजल्ट जो है माइट भी सही ना रहा हो मिनिमम उनमें थर्टीन मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए तो कई बच्चों के थर्टीन ना आके नौ आए हों आठ आए हों तो वो बच्चे निराश ना हों क्योंकि ये रिजल्ट नहीं है ये परफॉर्मेंस है क्योंकि अभी भी आपके पास एक होप है कि आप सेकेंड टर्म में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और टाइम पीरियड भी काफ़ी अच्छा है जैसे आपने डेटशीट देखी होगी तो आपके पास टाइम पीरियड भी काफ़ी अच्छा खासा है तो इस परफॉर्मेंस से निराश

तो यानी कि अब अगला पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट हैव अपीयर इन द सी बी एस ई क्लास ट्वेल्थ फर्स्ट टर्म एस कैन बी गेट देयर सेम वही चीज़ बोल रहा है ठीक है ना तो ऑफिशियल वेबसाइट में ये चीज़ रिलीज नहीं की गई है ये केवल स्कूल्स को पर्सनली मेल की गई है क्लियर है अब यहीं से अंदाजा लगा लो अगर ये रिजल्ट होता ऑफिशियली इसको पब्लिश किया जाता क्लियर है ऑफिशियल वेबसाइट पर यह क्या है ओनली परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टूडेंट फिर कह रहा हूँ निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी आपके पास एक सेकेंड टर्म के एग्जाम्स हैं इंटरनल एग्जामिनेशन हैं दैट मीन जो इंटरनल एग्जाम तो उनका वेटेज भी लगेगा और दूसरा आपके पास प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं क्लियर है सर तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ आई होप आपको अप्रोप्रिएट नॉलेज मिल गई होगी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझे दे सकते हो मैं उसका रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा तो टिल देन टेक केयर गुड बाय